नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और दोस्तों, जैसा आपने आज का थंबनेल देखा है, चेक बाउंस होने पे जो नया प्रावधान आने वाला है, जो नया कानून आने वाला है, उसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो की जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो उसको शेयर करने के साथ साथ इसको आप लाइक भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको जैसा मालूम था कि पहले अगर आपको कोई चेक देता है या आप किसी को चेक देते हैं और अगर वो बाउंस हो जाता है, तो उसके पीछे एक रूल था कि अगर वो इंटेंशनली किया गया है, यानी जानबूझ के किया गया है, पार्टी को बेवकूफ बनाया गया है, तो जो ऐसा कर रहा है उसको 2 साल की सजा थी, या फिर जो रकम का आपका वो चेक था उससे डबल उसको उसको पे करना पड़ता था। पर अब होता कैसा था, जैसे मुझे किसी ने चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया 1 लाख रुपए का। अब मुझे जाके क्या उसकी पुलिस पर रिपोर्ट लिखानी थी, कोर्ट में केस चलता था, और ये जो केस होते थे, अभी के जो आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता दूं, ये जो केस थे ये ऑलमोस्ट 20 लाख केस अभी तक पेंडिंग हैं, और ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसमें काफ़ी लोग जो व्यापारी मंडल हैं, जो व्यापार करते हैं, ज़्यादातर जो चेक बाउंसिंग के देखे जाते हैं, ये जो व्यापार करते हैं, जो क्रेडिट में पैसा देते हैं, उनमें चलता था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो सारा जो इन लोगों ने मिलके जो हमारी मोदी सरकार है उन तक बात पहुंचाई, तो इसमें अब एक पहल ली जा रही है, काफ़ी जल्दी ये रूल एकदम लागू होने जा रहा है। इसके तहत क्या होता है, यदि आपने किसी को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, बाउंस डेट से उस पार्टी को, उस आदमी को 60 दिन का समय, यानी 2 महीने का समय दिया जाएगा। वो 2 महीने में या तो वो आपके पूरा पैसा जितना भी है वो चुका दे, जितना पैसा, यानी फॉर एग्जांपल 1 लाख का है तो 1 लाख डबल नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है, 61वां दिन होता है, तो उसको बस जाके एक कोर्ट में एक नोटिस देनी होगी और इमीडिएट उसके अंदर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। ये पुलिस को राइट्स दिए जाएंगे, उसको अधिकार दिए जाएंगे, और 2 साल की कैद, और साथ में उसको उसका जो डबल जुर्माना है, अगर वो जेल से बचना चाहता है तो डबल जुर्माना देना पड़ेगा, यानी 1 लाख के आगे 2 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो काफ़ी ये संशोधन किया जा रहा है इस रूल में। अब बता देता हूँ कि इसमें किस किस चीज़ में आपको जो पार्टी के चेक बाउंस होगा सजा या पेनल्टी हो सकती है। सबसे पहले देखा जाएगा कि वो इंटेंशनली किया गया है कि इसमें गलती से कुछ हो गया है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, किसी का जो चेक बाउंस होने कई कारण होते हैं। एक तो होता है आपने कभी डेट गलत भर दी, या आपने पुरानी डेट भर दी, 2022 या 2021 लिख दिया गलती से, या तो आपका जो साइन है वो मिसमैच हो गया, राइट, ओवरराइटिंग हो गई, तो विभिन्न प्रकार के इसमें रीजन होते हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी पुलिस के द्वारा कि ये जानबूझ के किया गया है कि भाई सच में क्या हुआ है। अगर इसमें निकलता है कि वो जानबूझ के किया गया है तो वो सजा के पात्र है। अगर ये होता कि नहीं भाई ये तो इंटेंशनली बाउंस नहीं हुआ है, हालांकि ऐसा बहुत कम पाया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो दो भाई जिसका गलती से सिग्नेचर मिसमैच हो गया, गलती से डेट भर दी हुआ, वही बाउंस होगा, वो दूसरा चेक तुरंत आपको दे देगा, उसके जो विचार हैं वो क्लियर हैं, वो पैसा देना चाहता है। तो इसमें ज़्यादातर वही आएंगे जो इंटेंशनली बाउंस होते हैं, और ऐसा करने के बाद जो भाई जिसने चेक बाउंस कराया है काफ़ी परेशानी में पड़ सकता है। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी, सोचा मैं दे देता हूँ। वीडियो पसंद आता है तो आपको हमेशा एकदम लाइक करना है। लोन मंत्री चैनल में आपको हर तरह के अपडेट, फिनांस, लोन, हर तरह, और आपका माइक्रो फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, सेविंग्स, हर तरह, शेयर मार्केट, हर प्रकार का नॉलेज मिलता है। तो चैनल को आपको कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। तो दोस्तों, ये चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।